अच्छा, जैसे यंग बच्चे एग्जीबिशंस करना चाहते हैं तो अल्हम्ब्रा में क्या क्राइटेरिया है एग्जीबिशन लगाने का? जब भी कोई ये सवाल पूछते हैं अल्हम्ब्रा में क्या क्राइटेरिया, तो मैं सिर्फ एक बात कहती हूँ, आपका काम अच्छा होना चाहिए, इन सेंस अच्छा कि उसका कंटेंट स्ट्रांग होना चाहिए, आपकी स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए। बेशक आपका काम कंटेम्प्रेरी है, ट्रेडिशनल है, बट जो भी मीडियम आप यूज़ कर रहे हैं ना, उस मीडियम का आपके काम के साथ एक रिलेशन बनता हुआ नज़र आना चाहिए, आपका काम बॉडी ऑफ वर्क स्ट्रांग होना चाहिए। और सिफारिश होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? सिफारिश नहीं होनी चाहिए। तो क्या अल्हम्ब्रा आर्ट गैलरी जो है वो कोई कमीशन चार्ज करती है आर्टिस्टों से? अल्हम्ब्रा आर्ट गैलरी बिल्कुल 0% कमीशन चार्ज करती है गैलरी को, मतलब 0%। अगर मैं खुद आर्टिस्ट हूँ तो जब भी मैं किसी प्राइवेट गैलरी में एग्जीबिशन लगाती हूँ तो वो मुझे 35% पाकिस्तान में, मैं इसी तरफ आ रहा था, बिल्कुल इंटरनेशनली मुझे वो 50% चार्ज करते हैं। तो आप इमेजिन करें, अगर मेरे काम की प्राइस फॉर सेक 10,000 है या 50,000 है, 10,000 रुपये में से मुझे कितना आएगा? ज़ाहिर है आर्टिस्ट की जो एक इनकम है उस पर बहुत बड़ा कट लग जाता है इससे। यही एक अलमिया है कि चलें हमारे पास ऐसी जगह मौजूद हैं जैसे अल्हम्ब्रा आर्ट सेंटर है कि यहाँ पे बच्चों को एक अपॉर्चुनिटी मिलती है। अभी पिलाक में भी एक गैलरी खुली है, आपको पता होगा, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों को वहाँ पे गैलरी में जगह देते हैं। अच्छा मीना, अब हम आते हैं अल्हम्ब्रा एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स की तरफ। नाउ आई वंडर दैट हाउ यू आर गोइंग टू मेक इट अ सक्सेस वाइल वर्किंग ऑन फाइन आर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स टुगेदर। शिप्सा, मैं इसके बारे में यही कहूँगी कि ये दोनों बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। एक अकेडमी का इंचार्ज होना, आपको पता है हमारे पास 12 डिसिप्लिनस हैं जिसमें म्यूज़िक आ जाता है, डांस आ जाता है और फाइन आर्ट आ जाता है। तो तीनों डिसिप्लिनस को टैप इन करना, उनके टीचर्स के साथ कोऑर्डिनेट करना और स्टूडेंट्स की नीड्स को देखना, उनके फीडबैक को देखना, वो एक बहुत ही एक लेंथी प्रोसेस है जिसपे हम सुबह से लेकर शाम तक पूरी हमारी टीम जो है उस पर काम कर रही होती है। अच्छा, ये एकेडमी के बारे में बताएं कि यहाँ पर क्या होता है, बच्चे कैसे एडमिशन लेते हैं, आपको सर्टिफिकेट देते हैं, क्या करते हैं एकेडमी? क्योंकि आप देखें कि बाकी भी आप जो प्राइवेट एकेडमीज़ हैं उसमें भी ये कि वॉक इन करें, अकेडमी में एडमिशन लें। पहले हमारी जो अकेडमी थी वो ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट थी, लाइक 200 रुपीज़ थी कोरोना से। अच्छा, बट क्योंकि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जो थे वो थोड़े से ना, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स तो मैं नहीं कहूँगी, थोड़े से ना इररिलेवेंट स्टूडेंट्स जो नहीं करना चाहते वो 200 रुपीज़ के थ्रू इनरोल हो जाते थे, इनरोल हो जाते थे और इंटरेस्ट उनका उस तरह से नहीं होता, इंटरेस्ट नहीं होता था क्योंकि फ़ीस बहुत कम थी। तो सिर्फ हमने इससे लिए 1,000 रुपीज़ का फ़ीस की है ताकि सीरियस स्टूडेंट्स आएँ, वो बाकी आके बाकी स्टूडेंट्स को डिस्टर्ब ना करें, उनको सीखने दें। सिर्फ उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमने सिर्फ ये पे इंक्रीज़ की है, ये जो फ़ी है वो इंक्रीज़ किया है। 500 रजिस्ट्रेशन है जो वन टाइम है लाइफ टाइम के लिए, और 1,000 रजिस्ट्रेशन, 1,000 जो मंथली फ़ी है, आई डोंट थिंक सो कि वो किसी के लिए ज़्यादा है। हाँ, बिल्कुल सही। अगर कोई स्टूडेंट हमारे पास आता है और आके रिक्वेस्ट करता है कि मैम मैं फ़ीस नहीं पे कर सकता, सो हमारे पास वो अथॉरिटी है, हमने अपने रूल्स में लिखा हुआ है कि हम बच्चे की फ़ीस जो है वो वेव ऑफ कर देते। तो अल्हम्ब्रा एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स की क्या ईयरली, मंथली या कभी कोई परफॉर्मेंसेस करवाता है अल्हम्ब्रा के, लाइक जो बच्चे सीखते हैं वो बाद में उनके कोई शोज़ करवाए जाएं? बिल्कुल, अब हमने पिछले एक साल से हमारी जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं उनके साथ हमने मिलकर ये काम किया है कि अब हम जो हमारे इवेंट्स होते हैं उसमें हम अपने स्टूडेंट्स की एक दो की परफॉर्मेंस ज़रूर रखते हैं। अच्छा, वी कीप दैट इन माइंड कि हम अपने किसी स्टूडेंट को ज़रूर परफॉर्म कराएं, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, वोकलिस्ट हो, इंस्ट्रूमेंटलिस्ट हो। सो हमने अपने स्टूडेंट्स को बहुत हद तक प्रमोट करने की टीवी के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर हमने उनको स्टेज प्रोवाइड किया हुआ है। तो हर तरह से जिस तरह से हम फैसिलिटेट कर सकते हैं अपने स्टूडेंट्स को कर रहे हैं। कितने माह का कोर्स होता है ये? 3 मंथ्स का कोर्स है, जिसके बाद वी डू गिव अ सर्टिफिकेट टू द सक्सेसफुल कैंडिडेट्स। तो आप क्या समझती हैं कि क्या पाकिस्तान में एक नेशनल परफॉर्मिंग इंस्टीट्यूट, मतलब ये तो एक एकेडमी है, यहाँ पे चले सर्टिफिकेट कोर्सेज होते हैं, डोंट यू थिंक पाकिस्तान बैडली नीड्स परफॉर्मिंग आर्ट, नेशनल परफॉर्मिंग आर्ट इंस्टीट्यूट,
कि जहाँ पे तमाम जो परफॉर्मिंग आर्ट्स हैं वो पढ़ाए जाएं। वी नीड अ बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम फॉर दिस, क्योंकि आप देखें हमारे पास डांस के लिए कुछ भी नहीं है, कोई ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं है। अलहमरा में थोड़ा सा सिखा रहे हैं, लाहौर में एक दो जगह पे थोड़ा सा डांस सिखा रहे हैं। आई वुड नॉट, अगर हम एक क्लास दे रहे हैं डांस की वो बहुत कम है डांस के स्टूडेंट्स के लिए। इसलिए तो हमारी जो परफॉर्मिंग आर्ट्स की फील्ड है आई थिंक वो थोड़ी सी निगलेक्टेड है। म्यूज़िक के फिर भी एक दो बैचलर्स प्रोग्राम स्टार्ट हो चुकी है, फिल्म एंड टीवी का भी हो चुकी है, पर थिएटर का कुछ नहीं है। हमारी कोई एक्टिंग क्लासेस भी उस तरह से वो प्रॉपर नहीं चल रही। अच्छा, हम इस म्यूरल के सामने बैठे हैं, कुछ इसके बारे में बताइए, इतना खूबसूरत म्यूरल किसने बनाया? ये बिल्कुल, ये मियाँ एजाजुल हसन साहब जो पाकिस्तान के बहुत बड़े लीडिंग आर्टिस्ट हैं, ये उनका काम है, 1989 में उन्होंने क्रिएट किया था। इट इज़ अ पेस्टोरल सीन और एज यू कैन सी इट्स इन अ मोज़ेक सेटअप, और ये टाइल्स के थ्रू काम किया है। इसमें आपको पूरा पंजाब का जो रिच कल्चर है वो बहुत स्ट्रांगली आपको इसमें नज़र आएगा, डिफरेंट पार्ट्स में, डिफरेंट सेगमेंट्स में। इवन तो अगर आप इस म्यूरल की तरफ देखेंगे तो आपको सब कुछ कनेक्टेड लगेगा, हर जो फिगर है वो दूसरे के साथ रिलेट करके बना हुआ है। अच्छा, अलहमरा अकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स की आप इंचार्ज हो गई, आपने कोई गाना वाना नहीं सीखा, आपने कोई म्यूज़िक नहीं सीखा, ये कैसी बात? मैं इंटरमीडिएट में थी तो मैंने 2 साल के लिए प्रॉपर ट्रेनिंग ली थी। किस चीज़ की? वोकल की। आज तक हमें तो गाना नहीं सुनाया आपने। बस तब थोड़ा सा सीखा था, तो अब मैंने लाइक थोड़ा सा हारमोनियम, थोड़ा सा तबला, सारे इंस्ट्रूमेंट्स थोड़े थोड़े से मैंने। अब देखें क्योंकि मैं विजुअल आर्ट से हूँ तो सब कुछ हर आर्ट तो मैं नहीं सीख सकती हूँ, पॉसिबल नहीं है मेरे लिए सीखना, बट थोड़ा थोड़ा अब जैसे जैसे मैं भी सीख रही हूँ। अच्छा, बिल्कुल, हर रोज हम सीख रहे होते हैं यहाँ पर रहकर। सही है, वो तो जिंदगी में हम सीखते रहते हैं। लेकिन खास कोई म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट जो आपको पसंद और आप सीख रही हैं? जब से मैं इंचार्ज बनी हूँ तो मुझे सारे इंस्ट्रूमेंट्स अच्छे लगते हैं। वैसे मुझे तबला बहुत पसंद है। अच्छा, ठीक। तबला जब वो कैसा लगेगा कि मीना हारून तबला बजा रही है? बिल्कुल, मुझे गिटार और वो सितार इतना पसंद नहीं, मुझे तबला ऐसे बैठ के बजाने वाला जो फेशियल एक्सप्रेशन आते हैं मुझे वो बहुत अच्छे लगते हैं। इट वॉज अ वंडरफुल कन्वर्सेशन विद मीना हारून। ये दुआ
तुमसे मैं क्या कहूँ, आंसू भी नहीं आँखों में कि मैं इनमें बह सकूँ।